बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हक और सच के इस मार्के में आपने अपना काम कर दिया है, आपने इस मार्के को मार लिया है। मेरे पाकिस्तानियों, मुल्क भर में जो आज वोटिंग का टर्न ओवर हुआ है, तो आप पाकिस्तानी जीत गए हैं। जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए गए थे कि पाकिस्तानी घर से ना निकल सके, पर मेरे पाकिस्तानियों, तुमने तमाम लोगों को हरा दिया है। आप जीत गए हैं, आपने फताह नुसरत हासिल कर ली है। अब वक्त है कि दुआ करें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से वोट देने में कामयाब हुए हैं, इंशाल्लाह हम इमरान खान को बिल्कुल इसी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान बनाने में भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। फतह हमारी है, और अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों का इंशाल्लाह इस हक और सच के रास्ते में साथ देगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज मैंने जो सुबह फुटेज देखी, आज जो मैंने सुबह न्यूज देखी, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी आप तमाम पाकिस्तानियों को चल के इस बात की मुबारकबाद दूं कि जो आप लोगों का काम था वो आपने बड़ी ईमानदारी से अदा किया है। आपने बड़ी कामयाबी के साथ आज के दिन को हासिल किया था। पाकिस्तानियों, आपने बड़ी जद्दोजहद के साथ इस दिन को हासिल किया था, और आपने बड़ी मोहब्बत के साथ इस दिन को कामयाब बनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त बोलबाला है। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आगे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं हैं कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुल्क के गोशे गोशे से कामयाब होंगे, और फिर से हम अपने प्यारे वजीर आजम इमरान खान को दोबारा से वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर से उस सुनहरे दौर का आगाज होगा जिसकी हम तमाम पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम तमाम पाकिस्तानी फिर से एक बेहतर पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक प्यारे पाकिस्तान, एक आजाद पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान में कदम रखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ सिर्फ हाजिर हुई थी आप तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देने के लिए कि आप तमाम पाकिस्तानियों ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अपने हिस्से की वो ईंट जो एक वोट की सूरत में आपको लगानी थी, माशाल्लाह वो आप सब लोग लगा चुके हैं। पाकिस्तानियों, आप तमाम लोगों ने 75 साल की तारीख को का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 75 साल तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए और जो भी वोटिंग टर्नओवर था, आज उन तमाम के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान की तमाम जगह शहराओं पे अवाम का रश था, अवाम का जोश था, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो किसके साथ हैं और वो अपना अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। वो है कि हम अपने मकासिद में आगे मजीद कामयाबी हासिल करें और पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे डालें। कामयाबी का सहरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को जाता है कि वो अपने हक के लिए अब खड़ी हो गई है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो एक जिंदा कौम है, और वो ये चाहती है कि उसके फैसले अब वो अवाम खुद करे। तो लिहाजा आपने अपना फैसला सुना दिया है, अब इंशाल्लाह हम तमाम पाकिस्तानी दुआगो हैं कि जो हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह सुबह का सूरज वही नवीद लेकर आए। तो फिर एक दफा तमाम पाकिस्तानियों को इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि वो निकले अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इमरान खान के लिए। और वो हक और सच का दावा जो इमरान खान ने किया था कि अवाम ही अपने फैसले खुद कर सकती है, वो आज सच साबित हुआ है। अवाम ने निकल के ये साबित कर दिया है कि वो किसको अपना अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छे पाकिस्तान में, एक बेहतर पाकिस्तान में, खुशहाल पाकिस्तान में, एक आजाद पाकिस्तान में, एक नए पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।